एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला इसराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गाजा में इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्ला बार बार इसराइल पर हमले कर रहा है ताकि इसराइली फौज का ध्यान गाजा से हटकर हिजबुल्ला पर आ जाए, जिसकी वजह से अभी तक इजरायली सेना दो मोर्चों पर लड़ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजरायल हमास युद्ध का दायरा अब तीसरे फ्रंट तक पहुंच गया है। दरअसल इराक के विद्रोही समूह ने इजरायल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियोन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इराकी विद्रोही समूह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 11 मार्च 2024 को बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर काफी भीतर ड्रोन अटैक किया है और इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल इराक के विद्रोही गुट द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक ड्रोन एक रॉकेट को छोड़ता है जो अपने तय टारगेट के ऊपर जा गिरता है। इराक के प्रतिरोधी समूह ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा कि इजरायली हवाई अड्डे को निशाना बनाकर उसने पुष्टि की है कि हम कब्जे का सामना करने और गाजा में हमारे लोगों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन के दूसरे चरण के पूरा होने और जवाब में दुश्मन के गढ़ में हमला करना जारी रखेंगे। इसराइल निहत्ते फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। हालांकि इराकी प्रतिरोधी गुट का ये पहला हमला नहीं है बल्कि इससे पहले भी 6 मार्च 2024 को इसराइल के हाइफा एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था। उस वक्त इस गुट ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने इसराइली एयरपोर्ट के पावर स्टेशन को निशाना बनाया है और इस हमले से पहले जनवरी 2024 में भी इस गुट ने हाइफा बंदरगाह के एक केमिकल कारखाने पर ड्रोन हमला किया था। और इसी गुट ने सीरिया के भीतर अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर भी हमला किया था। इसके अलावा जॉर्डन के बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी जिसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए।